नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऋचा रानी म्यूजिक में। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 ओ दिलबर दिलबर। ठीक है, तो आज हम इसी गाने का ट्यूटोरियल सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बटन है हमारा, इसको सामान का सीखेंगे। अगर हम हारमोनियम के सुर की बात करें तो ये तीसरी काली है और ये मेरा सा रे, ये का कोमल और ये मा, चार बटन ये हैं और एक मंत्र सप्तक में ये नी कोमल। ये सिर्फ पांच बटन पे हम बजाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस ऐप की अगर हम बात करें तो ये ऐप है परफेक्ट पियानो या वाल्क बैंड ऐप, दोनों ऐप सेम है। ठीक है, आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बगैर इंटरनेट के ये बजाया जाता है ये पियानो। ठीक है, इस गाने की पहली लाइन क्या है, सुरका क्या है, दिलबर 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 हाँ दिलबर दिलबर, ये दो बार बजाई जाती है। ये है, तो इसमें क्या करेंगे, नीसा 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 गारे सारे सा, नीसा 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 गारे सारे सा। ये है दिलबर 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 हाँ दिलबर दिलबर, कुछ इस तरीके के शुरू के बोल हैं। उसके बाद फिर गा से शुरू होती है गाने की लाइन, होश ना खबर है ये कैसा असर है, तो होश ना खबर है ये कैसा असर है, दोनों लाइनें सेम है। इसमें क्या करेंगे, गा मा गा रे सारे रे सा, यानी गा मा गा रे सारे रे सा, रे केवल दो बार है बाकी सब सा सा है, यानी एक एक मात्रा है। ठीक है, हो से ना खबर है, अगली मैंने बताया सेम बजेगी, ये कैसा असर है। उसके बाद तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, ये है। ठीक है, तो समझिए इसको, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तो पहली बार में नी पर रुक जाते हैं, दूसरी बार में सा पर रुक जाते हैं, सेम बजेगा दोनों पैटर्न। ठीक है, पहली बार में मैंने बताया नी पर, दूसरी बार में सा पर। देखिए, तुम से मिलने के बाद दिलबर, आगे नी पर दोबारा में तुम से, यह है साथियों। तो इसमें क्या करेंगे, नी सारे मा गा रे सारे रे सा रे सा नी, नी सारे मा गा रे सारे रे सा, यह है साथियों। और अगर हम इसको पूरे पैटर्न के मैं आपको बजा करके दिखाऊं, देखिए किस तरह से बजेगा, और यही इसका स्थाई पार्ट है। देखिए, ये इसका पहले पैटर्न है। अब जो साथियों इसकी लेफ्ट वाली जो नेक्स्ट लाइन आती है बिल्कुल सेम बजाती है, दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तो आप सेम बजा देंगे, दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, फिर वही तुमसे मिलने के बाद दिलबर, और दिलबर 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 वही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज आप इसका स्थाई पार्ट बजाना सीखिए, अंतर हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे साथियों। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।